नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। रंगमंच एवं ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था पुनर संस्था आजमगढ़ द्वारा प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज एटलस पोखरा में आयोजित 20 दिवसीय हुनर समर कैंप का भव्य उद्घाटन अभिषेक जयसवाल, दीनू आरवी शुक्ला सहित अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। नवोदित प्रतिभाओं के अंदर छिपे हुए हुनर को निखारने के उद्देश्य से विगत 18 वर्षों से इस समर कैंप का आयोजन होता चला आ रहा है। सर्वप्रथम संस्था के सीनियर कलाकारों द्वारा गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संस्था अध्यक्ष मनोज यादव काजल सिंह ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण व बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर अपने नृत्य कौशल से देश में नाम रोशन करने, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त छात्रों को आज संस्था द्वारा प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी अभिभावकों और बच्चों को संबोधित करते हुए समाज सेवी अभिषेक जयसवाल दीनू ने कहा कि समर कैंप एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर छिपे हुए हुनर को बाहर निकाल सकते हैं। वहीं संस्था के अध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा ने बताया कि उनका संस्था 18 वर्षों से लगातार समर कैंप का आयोजन करता चला आ रहा है। कैंप में बच्चों को हुनरमंद बनाने का काम चल रहा है। हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा 20 दिवसीय ये समर कैंप, जिसका आज भव्य उद्घाटन प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रांगण में किया गया। पिछले 18 सालों से हम लोग ये कैंप लगातार आयोजित करते चले आ रहे हैं और नई नई प्रतिभाओं के अंदर छिपे हुए हुनर को निखारने का काम करते हैं। ये हुनर समर कैंप अपने आप में बड़ा ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ के प्रशिक्षक वेल ट्रेंड और बाहर से आए हुए भी प्रशिक्षक होते हैं जो बच्चों को निरंतर शिक्षा देते हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि यहाँ से सीखे हुए बच्चे आज विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं, डांस टीचर के रूप में, स्पोर्ट टीचर के रूप में। इस कैंप में आज हम लोगों ने उद्घाटन समारोह में उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो बच्चे लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नृत्य के माध्यम से अपने जनपद का नाम रोशन करते हैं। आज उन बच्चों के साथ उनकी माताओं का भी सम्मान किया गया है, क्योंकि माताएँ वो पहली सीढ़ी होती हैं जो बच्चों के लिए हर समय तैयार रहती हैं, उनकी हुनर को निखारने में मददगार साबित होती है। आज ये कैंप शुरू हुआ है, अब से लेकर 10 जून तक ये कैंप चलेगा, जिसमें हम सब बच्चों को पेंटिंग, मार्शल आर्ट, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट और डांस में क्लासिकल, वेस्टर्न डांस की तमाम विधाओं को हम सिखाने का प्रयास करें। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।